हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा फैशनिस्टा। आई एम गरिमा। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो वीडियो है वो मिंत्रा हॉल होने वाला है, मींस मिंत्रा कुर्ती हॉल होने वाला है। एंड जो भी मैं इसमें कुर्ती दिखाऊंगी वो काफ़ी अच्छी हैं। अभी फेस्टिवल के पर्पज़ से मैंने ऑर्डर की है। एंड अगर अभी भी थोड़ा सा टाइम है तीज में, गणेश चतुर्थी में, तो अगर आज ही ऑर्डर करते हैं तो आपको रिसीव हो जाएगा। और मींस अभी 8-9 दिन हैं, तो मिंत्रा जो है वो एक हफ्ते के अंदर ही जो भी पार्सल है वो डिलीवर्ड कर देता है। सम रीज़न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज 8 दिन के अंदर सारे जो है उनके पार्सल रिसीव, मतलब पार्सल मिल जाते हैं। सो गाइस, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी हैं इसमें, कुर्ती भी हैं, कुछ सूट भी हैं इस टाइप के हैं, इसे से गिर रही है। तो सबसे पहले इस कुर्ती से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी प्रीटी ये कुर्ती है और आप साइड में देख रहे होंगे किस टाइप से इसमें जो ये पोटली वाले जो इसमें बटन दिए हुए, बहुत ही प्यारे से ये डिटेलिंग है इस टाइप की। 3/4 इसमें स्लीव्स हैं। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है। इसकी जो प्रिंट है वो गोल्डन कलर में प्रिंट है, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है। मैं अभी वेयर की हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी इसके फ्लेयर की बात करें तो फ्लेयर इसका बहुत अच्छा है और आप जो है इसको एज अ गाउन आप वेयर कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी जिस टाइप से गर्मी है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी वाली, उसके लिए ये परफेक्ट कुर्ती है। एंड इसका जो प्राइस है वो अंडर 1000 में है, प्राइस सारे मेंशन कर दूंगी। इसमें जो है कोई दुपट्टा और बॉटम नहीं है, सिर्फ ये कुर्ती है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फैब्रिक कॉटन है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। तो ये है, ये पूरा सूट है, दुपट्टा है इस, ये है बॉटम एंड कुर्ता, और ये है दुपट्टा। दुपट्टा इसका बहुत ही प्रिटी है। एंड जो सबसे स्टार्ट करते हैं इसके ब्रांड से, तो ब्रांड है इंदो इरा। एंड इसके जो आउटफिट्स होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनके जो इनका जो फैब्रिक होता है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह काफ़ी सही रहता है। तो कुर्ते से स्टार्ट करते हैं। एंड ये है कुछ इस टाइप से दिख रहा है, इसमें ये वर्क दिया हुआ है, जरी वर्क है, अच्छा काफ़ी फाइन वर्क दिया हुआ है। यहाँ पे इस टाइप के सीक्वेंस भी दिए हुए हैं और ये स्लीव्स जो है 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, यहाँ पे इस टाइप की लेस मिल जाती है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छा है, इस टाइप का लाइनिंग लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, उस टाइप का फैब्रिक है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड वेयर करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड आप साइड में देख ही रहे होंगे कि किस टाइप से लग रहा है। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 7599, ऑलमोस्ट जो है वो 8000 का है, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे पड़ा 1375 का। तो काफ़ी अच्छा है एंड इसका फैब्रिक वगैरह काफ़ी अच्छा है। अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं दी हुई है, यहाँ पे ना ही कोई सी थ्रू है, तो काफ़ी थिक है फैब्रिक। एंड इसके बॉटम की बात करें तो बॉटम कुछ इस टाइप से सिंपल में है, यहाँ पे थोड़ी सी ये गोटा पट्टी वाली लेस दी हुई है, बाकी यहाँ पे इलास्टिक मिल जाती है और इस टाइप से आगे बेल्ट है। एंड इसमें जो मैंने साइज़ लिया है वो M साइज़ लिया है, काफ़ी परफेक्ट साइज है मेरे लिए। एंड इसका जो दुपट्टा है वो काफ़ी प्रीटी है, थोड़ा सिल्क में है, बंधेस में है, बंधेस वाला जो दुपट्टा होता है वो है, काफ़ी प्रीटी लग रहा है। जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही प्रीटी है। तो ओवरऑल मुझे ये सूट काफ़ी अच्छा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। अभी जो भी फेस्टिवल है आप चाहें तो तीज में वेयर कर सकते हैं, गणपति हैं, उसके बाद में फिर नवरात्रि है, एंड फिर उसके बाद फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, तो आप चाहे किसी में भी इसको वेयर कर सकते हैं। एंड फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आपको अभी पहनना है, मीन्स आपको तीज या फिर आप गणपति में पहनना चाहते हैं तो आप वेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी तो है बट हाँ इसको पहनने से इतनी गर्मी नहीं लगेगी। सो नेक्स्ट है ये एक लिबास में कुर्ती, एंड ये कुछ इस टाइप से है, काफ़ी प्रिटी कुर्ती है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, कॉटन इसका फैब्रिक है। एंड यहाँ पे ये इस टाइप से सिक्वेंस वर्क दिया हुआ है एंड एम्ब्रॉयडरी दी हुई है, बटन यहाँ पे दिए हुए हैं, काफ़ी फैब्रिक वाले बटन हैं, काफ़ी प्रिटी हैं। 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी एंड बाकी प्लेन है, पीछे भी प्लेन है। एंड जो इसका ब्रांड है वो लिबास ब्रांड है, साइज़ मैंने एम लिया था, थोड़ा सा मुझे टाइट है, बाकी अगर मैं एल लेती तो ज़्यादा बेटर रहता, मतलब थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल फील करता क्योंकि मैं थोड़ा लूज ही पहनती हूँ, तो उस पर्पज़ से।
मुझे एल साइज लेना चाहिए था एंड बाकी और काफ़ी अच्छा है। मीन्स इसका जो प्राइस है वो 575 है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा है। इसमें कोई भी बॉटम नहीं है, दुपट्टा नहीं है, सिर्फ ये कुर्ती कुर्ती है, बट 500 के अकॉर्डिंग ये मुझे काफ़ी अच्छी कुर्ती लगी। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है। इसका जो कलर है वो कोरल शेड है एंड काफ़ी प्रिटी कलर लग रहा है। आप इसके ऊपर आप चाहे ब्लैक बॉटम वेयर करिए या फिर आप वाइट भी वेयर करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कुर्ती है, ये एक रेड कलर में कुर्ती है। बेसिकली थोड़ा सा रानी कलर, रेड कलर, ऐसे कुछ कलर है ये। एंड इसका जो नेक है वो बहुत ही प्रिटी है। जनरली जो कुर्ती या फिर जो सूट होते हैं वो राउंड नेक के होते हैं, बट इसमें मुझे जो है वो वी शेप का नेक मिल रहा है। एंड वी शेप के जो नेक होते हैं काफ़ी प्रिटी लगते हैं, कोई भी हो, चाहे वो सूट हो या फिर टॉप हो, कोई भी हो, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं वी नेक के। एंड ये इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी इसमें सीक्वेंस एंड जरी वर्क है, काफ़ी प्रिटी है। जो ब्रांड है वो लिबास है एंड साइज मेरा एम है। काफ़ी परफेक्ट साइज मिला मुझे ये। एंड इसमें फुल स्लीव्स हैं, स्लीव्स में बस यहाँ से एक पाइपिंग पट्टी दी हुई है, बाकी ओवरऑल में पूरा वर्क दिया हुआ है। इस टाइप का बैक जो है वो प्लेन है एंड साइड में आप देख रहे होंगे इसका लुक कैसा लग रहा है। अंदर जो है वो लाइनिंग दी हुई है एंड जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो सिल्क है एंड नीचे जो है वो थोड़ा पॉलिएस्टर में फैब्रिक दिया है। तो ये कुर्ती बहुत ही अच्छी लगी। आप इसको चाहे तो आप रेड कलर की, इसी कलर में आप इसकी बॉटम आप बनवा लीजिए एंड आप इसके ऊपर वेयर करिए, कंप्लीट आपका सेट हो जाएगा। इसका जो प्राइस था वो 1200 समथिंग था, तो काफ़ी अच्छा है। 1200 का आपको एक कुर्ती, वो भी पूरे में वर्क दिया हुआ है। आप इसमें जो है आपके पास हो या फिर आप बनवा लीजिए रानी कलर की, सेम कलर की बॉटम, तो आपका एक कंप्लीट सेट हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है आप प्लेन चुन्नी भी ले सकते हैं, काफ़ी प्रिटी लगेगा ये। नेक्स्ट है, ये अगेन एक अनारकली कुर्ती है, काफ़ी प्रिटी है। इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है, इस टाइप का मखमली जैसा इसका फैब्रिक है, जो मखमली कॉटन होता है उस टाइप का, काफ़ी ब्रीदेबल मतलब इसका फैब्रिक है। एंड इसका जो नेक है वो कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे पोटली वाली जो है वो बटन मिल जाती है। एंड आप साइड में देख रहे होंगे कि कैसी लग रही है, बहुत ही प्रिटी लग रही है। एंड इसका जो कलर है बेबी पिंक, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा शाइनिंग वाला बेबी पिंक है। एंड जो इस पे वर्क दिया हुआ है वो प्रिंटेड है, गोल्डन कलर की प्रिंटेड एम्ब्रॉयडरी है एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। कली वाली कुर्ती है इस टाइप की, यहाँ पे ये कली दी हुई है। इसका जो फ्लेयर है बहुत ही ज़्यादा है, आप साइड पे देख रहे होंगे कितना ज़्यादा है फ्लेयर। एंड यहाँ पे तो पूरा कैमरे में भी नहीं आ रहा, कैमरे से बाहर जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नीचे जो है बॉटम में इस टाइप की लेस दी हुई है। स्लीव्स इसकी काफ़ी प्रिटी हैं एंड आपके एल्बो तक आ जाती है यहाँ तक, तो काफ़ी प्रिटी लगती है। इसमें जो मैंने साइज लिया वो एस साइज लिया है, काफ़ी परफेक्ट साइज मुझे आया है। एंड पहनने के बाद ये काफ़ी प्रिटी लग रही थी एंड प्राइस भी इसका अंडर 1000 की रेंज में है, तो जो भी होगा स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। एंड कैसी ये लगी कुर्ती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है वो एक सलवार सूट है एंड ये जो ब्रांड है वो लिबास ब्रांड से है एंड ये इसमें भी इस टाइप का वर्क दिया हुआ है। ये सिर्फ योक पे ही इसमें वर्क दिया हुआ है, बाकी सारा सब प्लेन है। इस टाइप की स्लीव दी हुई है, देन पूरा प्लेन दिया हुआ है एंड अंदर जो है वो लाइनिंग दी हुई है। जो फैब्रिक है इसका वो पॉलिएस्टर फैब्रिक है, ऊपर वाला जो फैब्रिक है वो सिल्क है। सिंपल सी कुर्ती है, काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इस रेंज में मतलब पूरा सेट चाहिए, सलवार सूट दुपट्टा, तो आप ले सकते हैं। एंड कलर काफ़ी प्रिटी है, तो मरून कलर है। एंड इसका जो ये है बॉटम एकदम सिंपल सा है, इस टाइप का इलास्टिक वाला है, यहाँ इलास्टिक आगे बेल्ट, इस टाइप का बॉटम है। पॉकेट दी हुई है इसमें एंड दुपट्टा जो है वो कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर लाइनिंग दी हुई है एंड थोड़ा थोड़ा सा इसमें वर्क दिया हुआ है, जरी वर्क इस टाइप का, ये जरी वर्क दिया हुआ है एंड
इस टाइप का है दुपट्टा, वो साइड में आपको दिख रहा होगा। इसका जो प्राइस वो 1200 समथिंग था एंड इसमें जो मैंने साइज लिया है वो एम साइज लिया है। थोड़ा सा मुझे ये टाइट है, अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो इसमें साइज जो है वो अप करके। गाइस ये थे मेरे मिंत्रा से कुर्ता सेट, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड इनमें से कौन सा कुर्ता सेट आपको सबसे अच्छा लगा वो भी आप बताइएगा। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड आप लोग शेयर नहीं करते प्लीज मेरे वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए, उससे जो है मुझे काफी बेनिफिट मिलेंगे, लोगों के पास मेरे वीडियो पहुंचेंगे एंड वो लोग मेरे वीडियो को देखेंगे। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।